अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना, हमें दुनिया की हर आसाइश से बाइस से नवाजना। या अल्लाह पाक बे औलादों को औलादें दें। या अल्लाह पाक खैर का दिन हो, खैर व आफियत की रात हो। तो गाइस सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चों को जैसे कि आज सैटरडे नहीं, हाँ सैटरडे है, छुट्टी है, तो फिर भी बच्चे वक्त से पहले यानी टाइम से पहले उठ गए हैं 8:30 बजे के। फिर से नहीं नाश्ता लिया है, तो ये देखें ये शोरबा है, ये राजमाश की दाल है और नान है। गाइस आ जाएं आप सब भी नाश्ता कर लें। तो अभी दूध बॉयल करने रखती हूँ, सनी वेट करें नाश्ते का, मैं दे आऊँ कहीं मेरे पीछे पड़ जाए। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, शमामा बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू। तो वेलकम बैक गाइस, ये लें चाय, चाय पी लें। बच्चों ने अलग खिला रहा, ये देखें फाह को मटर छीलने के लिए दिए हैं, फाह ने अभी तक मटर ही नहीं छीले। और इधर मैंने मशीन लगाया हुआ, अब निकालने वाले हैं कपड़े। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मैं पागल हो जाती हूँ, काम तो हो ही जाते हैं। वो देखें मेरी बाबू, मैं आपको लाइट जला कर दिखाती हूँ क्या बनेंगे। सलाम करो पहले, अस्सलाम वालेकुम गाइस, बोलो मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। दिखाओ सर अपनी शक्ल तो दिखाओ, वो दिखाओ। तो गाइस शमामा ने अपना तो बुरा हाल किया हुआ है, एक तो बीमार है, ऊपर से दिखाना ज़रा, ये देखें ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये देखें, ये मेरे मेकअप की इतनी दुश्मन है, मैं करती नहीं। देखें मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा, मेरा अच्छा ज़्यादा बेटा, सलाम नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम बोलते। ये देखें कभी कभी फाहा पे ना साथ सलाम करो, वेलकम बैक गाइस। तो ये देखें गैस कितनी सी आ रही है, इतना तेज़ आ रही है। तो मैंने ना प्याज ब्राउन करके इसे ग्राइंड कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और इधर बच्चे कह रहे हैं हमने ये खाने, फ्राइज बना रही हूँ, ये टमाटरों का पेस्ट बनाया है, ये दही डालूँगी। मैं बना रही हूँ आलू मटर चिकन। तो वेलकम बैक गाइस, ये देखें मैंने इनके लिए बना दिए, बच्चों के लिए। तो लाइट जलाओ रूम की। तो मैंने कहा ये बच्चे खा लें, ये लो बच्चों। तो ये देखें गाइस मैंने ना इसकी अच्छी तरह बनाई कर ली चिकन और इसकी मटरों की। और ये देखें नमक, थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला, इसका जायका बड़ा अच्छा था। और काली मिर्चें और अपना कुटा हुआ मसाला पिसा हुआ, उधर दिखाया नहीं आपको डालते थे। ये है टमाटरों का पेस्ट, ये है थोड़ा सा दही, तो ये देखें गाइस इसको हम ढक देते हैं। पापा जा रहे हैं अपने पापा की शॉप पे, ध्यान से जाना। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा मसाला बना है। आवाज माइक नहीं लगाया, पता नहीं आवाज़ में फिर ना मसला आ रहा हो। अच्छा तो चिकन और मटर है, अब मैं आलू डालने लगी हूँ इसमें। ये देखिए, तो ये देखिए आलू डाल रही हूँ। गाइस ये देखें बाबो नहाई है, इसको 102 बुखार हो रहा है और तेज़ हो गया बुखार। तो दुआ कीजिएगा मेरी शमामा का बुखार उतर जाए और वो उसकी टांग ठीक हो जाए। डॉक्टर कह रहा है आपके घर में गर्मी है, ये शदीद गर्मी की वजह से हुआ है, मुझे भी ऐसे ही हो रहा है। फास आपको भी बेचारों को ऐसे पिंपल निकल रहे। तो वेलकम बैक गाइस, तो ये देखें शमामा फ्री होके मैं बैठी हूँ ज़रा थोड़ी देर, क्योंकि शमामा कह रही है मामा मेरे पास बैठो। बच्चा जब आपको पता बीमार होता है तो माँ और उसकी गोद मांगता है। मुझे सारे काम भी देखने हैं लेकिन मैं बेचारी शमामा को भी बीच बीच में देखती हूँ। गाइस मेरे दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, मेरे पिल्च
के दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं। बोलो मैं फिर से हंसूं खेलूं भागूं। मेरी बेटी बेचारी 5-6 दिन से ऐसे लेटी ही है बिस्तर पे। लेकिन मेरी बेटी ना हौसला नहीं हारती माशाल्लाह। मुझे बार बार मैं कहती हूँ ना मेरी बेटी कब ठीक होगी, अल्लाह पाक ठीक कर दो। कहती नहीं मामा अल्लाह पाक मुझे ठीक कर देंगे, करना तो अल्लाह पाक नहीं है ना। कैसे मैं भी बताऊँ गाइस को, गाइस सिर्फ अल्लाह ताला होते हैं कोई ठीक है। के साथ ना छोटी वाली के साथ खेलती रही है। और तो वेलकम बैक गाइस। तो ये देखें ये सोता था, मैंने कहा कल दिखाया नहीं आपको, अभी भी देखें क्या टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिलता। ये है बच्चों के नूडल्स, साबुन हम दो लाए थे, ये एक है और एक और साबुन पता नहीं कहाँ, दो लाए थे हम ये। अच्छा तो मामा आपने तो नहीं उठाया बेटा, नहीं ये देखो ठीक है, हाँ ये है। तो दो ये लेके आए, एक डब लाए हैं, एक शैम्पू लाए हैं और नेशनल का गर्म मसाला है और सूखी मेथी है, दलिया है, ये मैं अपने लिए लाई थी कहना लवली, और ये पेस्ट है फोरेंस ठीक है, और ये कनौर मैंने डाली, मज़ा आया खाने में ना तो मैं दो ले आई हूँ। और ये है रेड वाला लोबिया नहीं होता वो है, चने चने हैं, बैठे रहो इधर, ये मसर है, ये चने की दाल है। ये देखें ये क्या कर रहा है, इसको मैं कह रही थी आराम से बैठ जाओ। ये सनी अपने लिए लेके आए हैं जो भी है, ये नमक है, एक मिनट बेबी, ये मैच है, ये साबुन है, ये मेरी ग्रीन टी है और ये मेरा कलर है, ये एक सरफ है वो सवैयाँ लाई थी मैं, और ये चावल है और ये 2 किलो ऑयल है हफ्ते का होता है ना, ये मेयोनीस है, ये भी मेरी है, मुझे बहुत पसंद है। और हाँ सबसे फेवरेट मेरी चीज़ ये सिरका, ख़त्म हो गया था ये तो पहले की, अभी तो हमने यूज़ ही नहीं की, पकाई नहीं अभी, टाइम ही नहीं मिल रहा, कभी कोई बीमार हो जाता, कभी कोई बीमार हो। देख रहा ये क्या, ये देखें ये साथ का पोज बना रही है मुंह खुला। ये हम तो शमामा थी कल हमारे साथ डॉक्टर के गए क्लिनिक से, हम सीधा ये ग्रोसरी करने चले गए क्योंकि घर में तकरीबन सामान ख़त्म हो गया था ना, तो इस वजह से ना मैंने कहा ले आते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं ले आते हैं, मैं कहा नहीं मुझे परेशानी है और ये चावल बहुत ज़्यादा, बिरयानी का डिब्बा ये भी आपने उधर रखा था, ये भी है मसाला, तो मेरा नहीं दिल कर रहा था पेच। तो इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला हम सबको अपने जो मान में रखे, खैर का दिन हो खैर हो आपकी रात हो, या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने जो मान में रखना, हमें दुनिया की रसाइशों से बाई से नवाजना, अल्लाह पाक हमें हर ज़मीनी और आसमानी आपात से महफूज फरमाइएगा, हम सबको हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी और औलादों को औलाद दीजिएगा, बीमारों को शफा दीजिएगा मेरे मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। गाइस आजकल ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, नींद भी नहीं पूरी होती, फिर दूसरा एक मामा बीमार हो गया, उसकी टेंशन पर से घर की खाना से रखते हैं, कभी ठंडा हो जाए तो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।